हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा नुस्खा उनके लिए है जिनको भूख की कमी है, भूख नहीं लगती या भूख ना के बराबर लगती है, जिसको हम अरुचि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको एक सिंपल सा घरेलू ही नुस्खा है, बहुत कारगर और हर घर में हर क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली औषधि है जो भी मैं आपको बताऊं, और बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है आप करके जो भूख नहीं लगती, रुचि की परेशानी है, भूख ना के बराबर लगती है, या थोड़ा सा ही खाया और उनको ऐसा लगा कि भाई अब पेट भर गया, मेरी इच्छा नहीं है। भूख ना लगने से आपको ही पता, अगर हम सही से खाएंगे नहीं तो हमारा शरीर चलेगा कैसे, कमजोरी दुर्बलता दिन पे दिन आती चली जाएगी, हम कुछ भी करने में असमर्थ महसूस होंगे, एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, शरीर का सारा ढांचा ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि जो हम ऊर्जा जो हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं खान पान से, और खान पान ही ठीक नहीं होगा तो हम कैसे चलाएंगे शरीर को, चलिए बता देते हैं। सबसे पहले जानना आपके लिए जरूरी है इसके कारण, इसके बहुत सारे कारण हो जाते हैं, अगर इनमें से कुछ है तो पहले आप उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। सबसे बड़ा और मुख्य कारण होता है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर लगातार किसी को कब्ज, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हो, ये कहते हैं भाई 3 से 4 दिन बाद हमारा पेट साफ होता है, 2-2, 3-3 दिन हम जाते ही नहीं है। भाई जब पहला खाया पिया पेट में ही रुका हुआ है, वो सही से साफ नहीं होगा तो भूख कैसे लगेगी, वो उस चीज पर गौर नहीं देते, बस आ जाते हैं हमारे पास या कहीं भी डॉक्टर के पास जाते हैं भाई भूख के लिए दवाई लेनी है, बस हमें भूख नहीं लगती, भाई कोई सिरप दे दो, कोई टैबलेट बता दो, कोई कैप्सूल बता दो, कुछ भी एनीथिंग एल्स ऐसी चीज बता दो कि हमें भूख लगने लगे। भाई इसके पीछे कारण तो देखें आप, मैं अधिकतर वीडियो में कहता भी हूं, आपसे गुजारिश भी करता हूं कि अगर आपको कुछ भी परेशानी है तो उस बीमारी पे काम ना करें, आप कारण पे काम करें, उसकी जड़ देखें कि शुरुआत कहां से हुई थी, उस जड़ को उखाड़ फेंकेंगे तो बीमारी भी पल भर में छूमंतर हो जाएगी। तो अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तो इसके लिए पहले आप पेट साफ करने की कोशिश करें नेचुरल तरीके से, दिन में पपीता खा लें, चीकू खा लें, अमरूद खा लें, बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं जिनका सेवन करके आप पेट साफ रख सकते हैं। रात को इसबगोल की भुस्सी आती है यानी कि साइलम हस्क, उसको गर्म पानी से 1 से 2 चम्मच की मात्रा में गर्म पानी या गर्म दूध से सेवन कर सकते हैं रात को, नहीं तो त्रिफला चूर्ण आता है, बनी बनाई औषधि है, हर मेडिकल शॉप पे हर क्षेत्र में मिल जाती है। त्रिफला चूर्ण का सेवन गर्म पानी से करें 1 से 2 चम्मच, पेट साफ हो जाएगा। एरंड का तेल कैस्टर ऑयल आता है, उसको दूध में डाल के 3 से 4 या 5 चम्मच की मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं ताकि आपका पेट प्रॉपरली साफ रहे। इनसे भी नहीं होता तो एक चूर्ण मैंने बताया भी था, वीडियो भी अपलोड करी थी, सनाय पत्ती, गुलाब की पंखुड़ियां, सफेद जीरा, काला नमक, हरड़ छिलका, इनका पाउडर आप बनाकर सेवन कर सकते हैं गर्म पानी से ताकि आपका प्रॉपरली पेट साफ हो। बनी बनाई औषधि में त्रिफला चूर्ण जैसे मैंने बताया, अभ्यारिष्ट कुमारी आसव का भी सेवन कर सकते हैं। चलिए, बहरहाल अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तो कब्ज का भी उपचार आप करें, तब आपको प्रॉपरली भूख लगेगी। बहुत सी बार कारण होता है अपच, सही से पाचन क्रिया नहीं हो पाती उनकी, रनिंग में नहीं आती पाचन क्रिया, मंद अग्नि की परेशानी, तो भूख कहां से लगे, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, मैदे में वर्म आ चुका है, लीवर में सूजन आ चुकी है, इस वजह से परेशानी। तो मैंने कहा है अगर भूख नहीं लगती तो कृपया करके इसके पीछे कारण देखें। कई बार टेंशन तनाव लेने वाले इंसानों को भी भूख नहीं लगती, अब टेंशन तनाव ले रखा है पूरे दिन, पूरे समय, पूरी रात हो जाती है, नींद भी नहीं आती टेंशन की वजह से, तो भूख कहां से लगेगी। चलिए, बहरहाल अगर आपको कोई भी परेशानी नहीं है फिर भी भूख नहीं लगती तो क्या करेंगे, इसके लिए छोटी सी चीज है, घरेलू ही चीज है, आप अदरक ले लें, अदरक छोटा सा टुकड़ा ले लें 1 इंची के आसपास या 1/2 इंची के आसपास, उसको छील लें अच्छी तरह से, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़कें, थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, और इसको खाना खाने से 15-20 मिनट पहले अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं, उसके 15-20 मिनट बाद आप खाना खाएं। डेली रूटीन में यही कर लें, 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह कर लें, रात को कर लें, लेकिन खाना खाने से पूर्व यानी खाना खाने से पहले 15-20 मिनट पहले ही बहुत है ले लें। इनकेस ऐसे नहीं लिया जाता, अदरक का रस निकाल लें थोड़ा सा, 1/2 चम्मच की मात्रा में रस निकाल लें अदरक का, 1/2 चम्मच की मात्रा में नींबू का रस निकाल लें, इन दोनों को मिक्स कर लें और थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़क लें, बुरक लें थोड़ा सा, 2 चुटकी भर 1 चुटकी भर, और उसको आप खाना खाने से 15-20 मिनट पहले उसको ले लें, ऊपर से थोड़ा सा ल्यूक वार्म यानी कि हल्का गुनगुना पानी पी लें बस। फिर देखें, भाई मैं ये नहीं कहता, भाई आपसे वादा नहीं करता कि भाई पहली बार आप लोगे भूख लग जाएगी, 3-4 बार 2-4 दिन लोगे लगातार तो भूख खुल के लगने लगेगी, चाहे कुछ भी कारण हो। कुछ भी कारण का मतलब
ये नहीं कि हाँ भाई कब्ज है तो कब्ज भी ठीक होगी, कब्ज का भी उपचार ले, लेकिन हाँ वैसे आपको पता नहीं है भूख मतलब पेट भी साफ हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है और अपच की भी परेशानी नहीं है, फिर भी कारण नहीं पता, फिर भी भूख नहीं लग रही, तो भूख लगने लगेगी। दूसरा, अगर ये भी नहीं रह जाता से, तो मैं कुछ बनी बनाई औषधि बता देता हूं, आप उसको सेवन कर ले। क्योंकि बहुत से ये सोचेंगे कि भाई मुझसे लिया नहीं जाएगा, अदरक का रस है और थोड़ा सा चटपटा स्वाद है इसका, मुझसे नहीं लिया जाएगा, और कुछ बनी बनाई औषधि हो तो बनी बनाई औषधि में चित्रकादी बटी, चित्रकादी बटी बैद्यनाथ की आसानी से अवेलेबल है, हर जगह मिल जाएगी आपको, किसी और फार्मेसी की ना ले, क्योंकि जिस चीज का मैंने रिजल्ट देखा है वो चीज मैं आपको बता देता हूं। बाकी अदरक नींबू सेंधा नमक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फास्ट है, अच्छी तरह से भूख लगने लगेगी, खाया पिया भी लगेगा शरीर को। जो ये कहते हैं कि भाई भूख नहीं लगती, शरीर डेवलप नहीं हो रहा, भूख लगेगी, डेवलप होगा, आप खाएंगे पिएंगे, रोटी भी अगर खाता है इंसान उसको भी शरीर में लगता है। बहुत से कहते हैं भाई नहीं लगता, लगेगा, आप इसका सेवन करें। चित्रकादी बटी बैद्यनाथ कंपनी के लिए दो दो गोली सुबह शाम खाना खाने से पहले, लगभग 15-20 मिनट आधे घंटे पहले ले लें, दो गोली सुबह मुंह में डालें, चबाएं अच्छी तरह से, क्रश कर लें उसको, तोड़कर मुंह में डाल लें और गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पी सकते हैं, दो गोली सुबह दो गोली रात को खाना खाने से पहले। दूसरा, इसके साथ में एक आसव है, बना बनाया द्राक्षासव, द्राक्षासव सेवन करें या द्राक्षासव स्पेशल वाला सेवन करें, कोई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेशल वाला थोड़ा सा और बेटर है। द्राक्षासव स्पेशल आता है और एक प्लेन आता है, तो द्राक्षासव कर ले या फिर द्राक्षासव स्पेशल कर ले खाना खाने के आधे घंटे बाद। तीन ढक्कन दवाई, तीन ढक्कन नॉर्मल पानी मिलाकर सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद ले लें, इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद तीन ढक्कन, जो ढक्कन उसी के ऊपर लगा है उसी ढक्कन से नाप लें आप, तीन ढक्कन दवाई तीन ढक्कन नॉर्मल पानी मिलाकर पी जाए। तो ये रहा आपका भूख का उपचार, भूख किसी को नहीं लगती, कम लगती है ना के बराबर लगती है, बिल्कुल नहीं लगती, तो इनका सेवन करें, या तो जो बताया था अदरक का टुकड़ा ले लें छोटा सा है, उसका रस निकाल लें, नींबू का रस मिलाएं और थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं, खाना खाने से पहले, पहले लेना खाने के बाद नहीं लेना, खाने से पहले ले लें सुबह शाम इसी तरीके से। ये नहीं लिया जाता तो चित्रकादी बटी और द्राक्षासव या फिर द्राक्षासव स्पेशल, इन दोनों में से किसी एक का सेवन करें। चित्रकादी बटी तो लेनी लेनी है, पीने वाले सिरप में ऑप्शन है, या तो द्राक्षासव ले लें या द्राक्षासव स्पेशल ले लें, बस आपकी परेशानी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, भूख लगने लगेगी। महीने दो महीने ले लो भाई, कोई आपत्ति नहीं होगी। बाकी टेंशन तनाव बिल्कुल ना लें, किसी भी प्रकार की सोच विचार ना करें, किसी भी तरह की परेशानी है, वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाएं देखें, सर्च कर लें, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो हल आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में यही कहना था, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का और अपने माता पिता की सेवा करेंगे। भाई कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।